ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी मालिक का आदेश नहीं मानने पर किसी शख्स को क्या सजा भुगतनी पड़ सकती है, इसकी वानगी देखने को मिली है कुरुक्षेत्र में। यहां पर एक ट्रक ड्राइवर के हाथ इसलिए काट दिए गए क्योंकि उसने अपने शराब माफिया मालिक के लिए तस्करी करने से मना कर दिया था। अगर कोई शख्स किसी की कंपनी या किसी की गाड़ी पर नौकरी करता है तो क्या उसे अपना गुलाम मान लिया जाए और मालिक उससे जो चाहे वही करवाए? इसके बाद अगर वो अपने मालिक के आदेश न माने तो उसे क्या सजा दी जाए? कुरुक्षेत्र में एक शख्स के साथ ऐसा दर्दनाक व्यवहार किया गया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र के रहने वाले ट्रक ड्राइवर राजेश कुमार के साथ उसके मालिकों ने ऐसा सलूक किया कि शायद ही आपने कभी ऐसी घटना आजाद हिंदुस्तान में सुनी हो। दरअसल राजेश को अपने मालिक का आदेश न मानना जिंदगी पर भारी पड़ गया। मालिक के एक गलत काम को मना करने पर राजेश को इतनी बड़ी सजा दी गई कि हैवानों ने उसके दोनों हाथ शरीर से जुदा कर दिए। दरअसल राजेश पिछली 29 मई को ट्रक में माल लादकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद गया था तो ट्रांसपोर्ट मालिकों ने उसे हिसार होते हुए गुजरात आने के लिए कहा और ट्रक में साबुन की पेटियों के बीच शराब की पेटियां भी लाद दी। जब राजेश ने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया और शराब की पेटियां गुजरात पहुंचाने के लिए मजबूर किया गया। मैं नालागढ़ यूनियन की गाड़ी चलाता हूँ और यहाँ से मैं बकर गया था गाड़ी विप्रो साबुन, और रास्ते में मेरे साथ बोलते हैं कि इसमें शराब लादनी पड़ेगी इस हाथ से, तो मैंने कहा कि मेरे को शराब नहीं लादनी है इसमें, क्योंकि मैंने तो जब विप्रो साबुन लादा हुआ है तो मैं शराब क्यों लादूँ इसमें। तो कहने लगे भी ऐसा मुझे गाड़ी चलानी है तो साबुन तो लाद के साथ साथ शराब भी लादनी पड़ेगी, ये हमारा काम है, ये तेरा काम नहीं है, तूने अपनी तनख्वाह लेनी है और काम करना है। तो वहाँ उन्होंने जबरदस्ती इसमें शराब लाद दी। शराब लादने के बाद और मेरे साथ वहाँ शराब लादने के बाद वहाँ फिर हम कर्नाटका गए। कर्नाटका में जाकर गाड़ी खाली करने के बाद फिर मेरे को धमकियाँ दी गई वहाँ कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद राजेश अपने ट्रक को खाली करवा कर औरंगाबाद वापस पहुंचा। राजेश ने आरोप लगाया है कि ट्रांसपोर्टरों ने अपने कुछ आदमियों से कहकर पहले तो उसे कुछ नशीली चीज खिलाई और फिर उसके दोनों हाथ काट दिए। जब उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ नहीं मिले। गाड़ी खाली होने के बाद उन्होंने मेरे को दोनों गाड़ी खाली होने के बाद मेरे को वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद थोड़ी दूर ले गए, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, और जब मेरे को होश आई तो मेरी दोनों बाजुओं कटी हुई थी। पुलिस की मदद से उसे मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से किसी तरह राजेश वापस लौटा और अब उसे कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। की हालत अब तो स्थिर है परंतु उसकी दोनों बाजू में कंधों से नीचे दोनों बाजू में कटी हुई हैं और उनमें काफ़ी गहरे जख्म हैं। जख्मों को भरने में काफ़ी समय लगेगा, 2 महीने भी लग सकते हैं, और उसके बाद इसको चमड़ी चढ़ानी पड़ेगी, उस पर प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। चमड़ी का काफ़ी लॉस है, उन जख्मों को भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस घटना से राजेश का परिवार ही नहीं बल्कि जिसे भी इसके बारे में पता चला वो हैरान रह गया। हर किसी के जहन में यही सवाल उठा कि आखिर चंद पैसे के लिए लोग कैसे किसी की जान लेने से भी नहीं कतराते। घटना के बाद से परिजन परेशान हो गए हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब राजेश और उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मेरे पास तो यह बच्चा था जी, यही सहारा था मेरा, ये गाड़ी चलाता था, उन्होंने ये शराब लदवाते थे, ये इसने लादी नहीं, इसके हाथ काट दिए, पुलिस वाला ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना ही नहीं, जिस कानून के लिए उसने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी उस कानून ने भी राजेश का साथ नहीं दिया। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। जहां हरियाणा पुलिस घटना को महाराष्ट्र की बताकर पल्ला झाड़ रही है तो महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक उससे कोई संपर्क नहीं किया है।
यहाँ पुलिस को, लोकल पुलिस को पर्चा दर्ज कराया तो कहते हैं ये महाराष्ट्र का केस है, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कि ये उधर का केस है, कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल सारे के सारे जितने भी ये शराब माफिया गैंग है सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए और सबको जैसे आज मेरे साथ हुई है कल को किसी और के साथ ना हो। अब राजेश सिर्फ उन शराब माफियाओं के लिए सजा की मांग कर रहा है जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया। अब देखना होगा कि आखिर कब तक राजेश को इस हालत में पहुंचाने वाले कानून के शिकंजे में पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर के साथ रिपोर्ट MH1 न्यूज।